हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुजहत। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मैंगो कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। मैंगो का सीज़न है और कस्टर्ड तो हर किसी को बहुत ही पसंद आता है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का आम लिया है। आम अच्छा मीठा पका देख करके लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसे अभी साइड में रखती हूँ। इसका हमें पल्प बनाना है, पीसना है। और यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है कॉर्न सूप बनाने वाला। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर या फिर मैंगो फ्लेवर कोई भी कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। कॉर्न स्टार्च का भी आराम से बना सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, यह ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ले या तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है। ये उबला हुआ है लेकिन न ठंडा है न गर्म है। तो मैं इसका बैटर बना लेती हूँ। थोड़ा सा दूध डाल करके इसका हम घोल बना लेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर। तो देखें यहाँ पर हमने इसका बैटर बना लिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टर्ड पाउडर लें, अगर आपके घर में कॉर्नफ्लावर है तो आप उसी से बना सकते हैं। तो अब मैं मैंगो को छील लेती हूँ। मैंगो जो है अपने आप में एक बहुत ही फ्लेवरफुल फ्रूट है, तो इसमें मैं कोई भी एसेंस या फिर कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैं इसकी प्यूरी बना करके रख ले रही हूँ। 1/2 लीटर दूध हमने लिया है, दूध हमने फुल क्रीम लिया है। इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा दूध गर्म हो जाए मैं इसमें दूध पाउडर ऐड करूँगी। तो ये 2 टेबल स्पून हमने दूध पाउडर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाहें तो लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और 1/2 कप से कम हमने चीनी लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1/2 कप से कम हमने लिया है, यानी 6 से 7 टेबल स्पून के करीब है। चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं और दूध में एक उबाल आने का वेट करते हैं। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पर। और तो देखें दूध में अब उबाल आ रहा है, दूध उबलने लगा है। तो जो हमने कॉर्नफ्लावर का बैटर बनाया था उसको इस तरह से पहले मिला ले, ये तले में बैठ जाता है। और इसे एक हाथ से डालें, दूसरे से मिलाते जाएं, ये जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो इसे हम पकाएंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे। 1.5 से 2 मिनट में इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और इसे उतार लेती हूँ चूल्हे से। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया, उसके बाद हमने इसे फ्रिज में रखा था। तो ये ठंडा हो गया अच्छे से। पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो खूब अच्छे तरीके से इसको पहले मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद जो हमने मैंगो प्यूरी बना करके रखी थी ये डालेंगे। मैंगो आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक मीडियम साइज़ का आम लिया है। इतने बैटर में एक मीडियम साइज़ का आम काफ़ी होता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा इसका टेक्स्चर है, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। और एक मैंगो मीडियम साइज़ का मैंने रफली कट किया है इसके ऊपर सजाने के लिए। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और ये हमारा ठंडा ठंडा कस्टर्ड बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।